आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में है, अगर आप इसके लिए चेकबुक अप्लाई कराना चाहते हैं तो उसका फॉर्म फिलअप किस तरह से किया जाता है, आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे। तो बिना देरी करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिल करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपका अकाउंट है जिस ब्रांच में होगा, आपको यहाँ पे उसकी ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप कितनी चेकबुक इशू करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि 1, 2, 3, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। और कितने पेजेस की करवाना चाहते हैं, जैसे कि एक चेकबुक कितने पेज की है, 12 पेज की, इसे आप अपने अकॉर्डिंग से फिल कर लेना कि आप एक चेकबुक मंगाना चाहते हैं कि दो, और कितने कितने पेजों की मंगाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पेज नंबर लिखने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो आपका खाता है किस टाइप का है। तो देखिए, इसमें काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, बट जैसे कि जो मेरा अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, बचत का है, तो मैंने इस पर टिक कर रख दिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टाइटल ऑफ द अकाउंट, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, सेम आपको लिख देना है, सेविंग अकाउंट। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये पूछा है कि जो आपका चेकबुक बनकर आएगा उसके ऊपर किसका नाम होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग से नाम फिल कर लेना। जैसे कि मान लेते हैं कि चेकबुक मैं रिचा के नाम से मंगा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिचा लिखा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे चेकबुक टू डिलीवरी लिखा हुआ, मतलब जो आपका चेकबुक है डिलीवरी होकर किस एड्रेस पर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप माई पे टिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना पड़ेगा कि आपका एड्रेस कहाँ है, आपका रिसेंटली एड्रेस जो है वो ही फिल करे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको निवास, मतलब आपका अपना दोबारा से एड्रेस फिल करना पड़ेगा। अगर ऑफिस का एड्रेस है तो फिल कर सकते हो ना, ज़रूरी नहीं उसे फिल करना। मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, मोबाइल नंबर वही दे जो काम करता हो, क्योंकि अपडेट्स और नोटिस सब आपके इसी फ़ोन पर आएंगे। एंड देन लास्ट में देखिए, आप जहाँ पे रहते हैं अगर उसका कोई लैंडमार्क है आपके एड्रेस का, तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद देखिए, इस तरह से जो आपका बैंक ऑफ इंडिया का चेक बुक अप्लाई करने का फॉर्म फिलअप है वो पूरा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।